हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ मयंक श्रीवास्तव फ्रॉम अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच विथ इज विच इज एफिलेटेड विथ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आज हमारा टॉपिक है मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का मिलर इंडिसस uh, uh, हम इस पर डिस्कस करते हैं इस, uh, कि मिलर इंडिसेस की हमको ज़रूरत क्या पड़ती है या इसका क्या फॉर्मेशन होता है इसका मेन मोटिव क्या होता है इसको अगर हमको पता चलता है तो इससे हम क्या कर सकते हैं मटेरियल्स uh, में तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इससे पहले uh, हम डिस्कस करे थे आपका पैकिंग फैक्टर के बारे में एक्चुअली मिलर इंडिसेस में क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे आपने पैकिंग फैक्टर समझा पैकिंग फैक्टर में आपने ये समझा कि जितने भी क्रिस्टल थे उसके अपने एक एटम्स होंगे और एक क्रिस्टल में कितने एटम्स आएंगे ठीक है अब वो मटेरियल जो है जितने नंबर ऑफ़ क्रिस्टल से मिलकर के बना है उनका क्या साइज होगा ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर हमने आपसे डिस्कस करी थी लेकिन अगर अब इसमें मिलर इंडिसेस में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि लैटिस एक वर्ड आपको हमने बताया था लैटिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ एरेज़ बनते हैं अब नंबर ऑफ़ एरेज में मान लीजिए आपका कोई भी आप अगर ऐसे समझिए कि रो जैसे आपको अपने घर का एड्रेस पता करना है तो घर का एड्रेस पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा किसी एक ओरिजिन से आप लोगे भाई कोई एक ओरिजिन से लोगे ना कि यहाँ से इतनी दूरी पे जाओगे तो ये मिलेगा अब उस ओरिजिन ओरिजिन से आपको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है वाई डायरेक्शन में कितना जाना है या कहीं ऊपर है तो जेड डायरेक्शन में कितना जाना है तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको कॉर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए तो मिलर इंडिसेस भी यही चीज़ें मिलर इंडिसेस में क्या होता है जो लेटेस्ट फॉर्मेशन होता है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स अगर एक्स डायरेक्शन में वन बाई वन बढ़े फिर वाई डायरेक्शन में वन बाई वन बढ़े फिर जेड डायरेक्शन में वन बाई वन बढ़े तो क्या फॉर्मेशन हुआ एक लैटिस का अब लैटिस एक कॉम्प्लेक्स अगर आप इसको जूम करके देखेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आपको बहुत टफ स्ट्रक्चर दिखेगा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखेगा तो उस स्ट्रक्चर में एक डेफिनेट लैटिस का क्या इंडिसेस है या एक डेफिनेट लैटिस के जो क्रिस्टल हैं वो कहाँ पर अपना स्पेस अकुपाई कर रहे हैं अगर उसको समझना है या उसको जानना है क्यों समझना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि मान लीजिए आपने एक मटेरियल बनाया उसमें खूब सारे क्रिस्टल हैं अब खूब सारे क्रिस्टल के अपने एटम्स होंगे अब कहीं पर भी डिफॉर्मेशन हुआ ये जब आप चेक करते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू तब आपको दिखेगा कि नोडल पॉइंट पे कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन हो रहा है आ, ये आपके लिए इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कई सॉफ्टवेयर भी आते हैं जैसे एनसिस हो गया हाइपरमेस हो गया तो जब आप इन सॉफ्टवेयर पे मान लीजिए आपने इक्विपमेंट बनाया एक मटेरियल आपको बनाना है हम आपको पूरा बेस से बताते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं मान लीजिए आपको कोई भी मटेरियल बनाना है अब आपने मटेरियल का एक डेफिनेट जो भी बनाना होगा उसकी एक डेफिनेट डिजाइन होगी अब डिजाइन के अकॉर्डिंग आपने क्या करा उसमें मटेरियल सबसे पहले सेलेक्ट करा कि, कि किस मटेरियल का बनाना है फिर आपके पास नॉर्म्स होने चाहिए कितना स्ट्रेंथ का होना चाहिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या साइज़ होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लस कौन कौन अगर स्ट्रेंथ है तो उसमें क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उतनी नहीं है तो एलाइंग एलिमेंट आपको मिलाना पड़ेगा उसमें तो एलाइंग एलिमेंट मिलाओगे तो उसका एक अलग क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तो ये जो अब उसके बाद क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया मटेरियल आपका एक सॉफ्टवेयर पे 2D पे आपने पहले बनाया आप टू पे बनाने के लिए क्या करते हैं अगर आप ऑटो ऑटोकैट सॉफ्टवेयर पे भी कभी काम करोगे तो आपने देखा होगा एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन स्केचर वर्कबेंच होता है तो वहाँ पर आप अगर वो आपको एक एग्जाम्पल ले समझा रहे हैं क्योंकि मिलर इंडिसेस में क्या है आपको लेटिस में आपको अपना एक क्रिस्टल में कहीं डिफॉर्मेशन आया उसको समझना है तो वो डेफिनेट क्रिस्टल तक आप कैसे पहुंचेंगे उसके लिए आपको इंडिसेस दी गई इंडिसेस मींस अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में दो कोऑर्डिनेट दिए गए तो वो टू डी डायमेंशनल इंडिसेस कहलाएगी और अगर थ्री में दिया गया एक्स वाई जेड तीनों में दिया गया तो आपको पता चल जाएगा कि थ्री में है ये ऑब्जेक्ट और थ्री में कहीं पर आपका उससे आपको वो एक एड्रेस मिलेगा कि ये थ्री डी डायमेंशन में कहीं पर इस लैटिस में इस आपके क्रिस्टल में यहाँ पर आपका प्रॉब्लम एराइज़ हो रहा है तो वही चीज़ आपके जैसे सॉफ्टवेयर में होता है अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है अब आपको एक लाइन ड्रॉ करना है अब उसका या पॉइंट ड्रॉ करना है एक पॉइंट से लेके चलते हैं एक्चुअली ये जीरो डि, डिग्री टू डी और थ्री डी इस तरह से लेकर के चलते हैं अगर पॉइंट है अब पॉइंट का मान लीजिए दिया गया टू कॉमा थ्री अब टू कॉमा थ्री का क्या मतलब हुआ एक्स डायरेक्शन में टू और थ्री डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में थ्री जब आप एक्स डायरेक्शन में टू कोऑर्डिनेट बढ़ोगे और वाई डायरेक्शन में थ्री कोऑर्डिनेट वन टू थ्री बढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा एक लाइन आप इधर से वाई से ऐड करोगे और एक टू से ऐड करोगे तो जहाँ पर इंटेक्स करेगा तो वो क्या मिला आपको एक पॉइंट मिला उससे क्या पता चला कि एक डेफिनेट एरिए में आपका पॉइंट जो है वो इस इस एड्रेस पे है टू कॉमा थ्री पे इसी तरह अगर आपको एक्स वाई जेड तीनों में करना है तो उसके लिए आप एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको तो वन वाई वन जब आपको तीनों में जब करना होगा एक्स वाई जेड के जब तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे तब क्या होगा एक्स में मान लीजिए आपने फाइव दिया वाई में आपने टेन दिया और जेड में आपने फिफ्टीन दिया तो अब एक्स में वन यूनिट टू थ्री फोर फाइव यूनिट चला और उसके बाद वाई में इसी तरह टेन चला और उसके बाद जेड में चला तो जहाँ पर एक आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये सब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जब एक पॉइंट मिलेगा तो वो क्या हुआ आपका उस पॉइंट का एड्रेस अब इस पॉइंट का एड्रेस का क्या कोऑर्डिनेट हो गया फाइव कॉमा टेन कॉमा फिफ्टीन ये पूरा आपको बेसिक बता रहे हैं अब आपका एक मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेट जनरेट करा सॉफ्टवेयर में आपको पता चल गया एक आपने 2D पे मॉडलिंग पहले 2D पे बनाया तो दो डायमेंशनल की चीज़ें दी फिर उसको 3D पे कन्वर्ट करना है मटेरियल मान लो कुछ ऐड करना है तो वो वाइड वाई जेड डायरेक्शन में होगा तो वो आपने 15 दिया तो जेड डायरेक्शन में भी हो गया अब ये तो मटेरियल का एक पार्ट बना ठीक है अब उसके बाद आप क्या करते हैं असम्बल करते हैं अब एक अरे ये जो चीज़ें बता रही एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि लैटिस कैसे बन रहा है अब आपने क्या करा एक मटेरियल बनाया उसके बाद एक दूसरा मटेरियल और सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए स्केचर वर्कबेंच और पार्ट मॉडलिंग और इनको सबको फॉलो करते हुए आपने पहले टू में उसको बनाया फिर थ्री में बनाया अब दो इक्विपमेंट बन गए आपके इसी तरह आपने तीसरा भी बना लिया चौथा बनाया तो जब ये चार पांच इक्विपमेंट आपके बन गए या मटेरियल्स आपके जनरेट हो गए अब क्या होता है आपको आपस में इसको कंबाइंड करना होता है कंबाइंड क्यों करना होता है कंबाइंड करोगे तभी तो आप उनसे कोई फंक्शन ले पाओगे या कोई भी वर्क आप उससे ले पाओगे तो जब आपने इसको कम्बाइंड करा तो असेंबल करा कंबाइंड मीन्स असेंबल करा अब जब असेंबल हो गए सारे पार्ट्स अब उसके बाद उस पर सिमुलेशन टेस्टिंग करते हैं आपने उसको सिमुलेट करा अब सिमुलेट करा तो आपने देखा कि कहीं एक जगह पे आपका फेल्योर आ रहा है तो वो कहाँ पे पता चला आपका एनालिसिस सॉफ़्टवेयर पे अब एनालिसिस में जब आपके जो दो सॉफ्टवेयर आपको बताया एक एनसिस और हाइपरमेस उनमें कहीं पर वो चीज़ें पता चली कि ये जैसे फाइव पार्ट्स आपने मिलाया था अब ये पांचों पार्ट आपस में मिले और इस पार्ट में कहीं ना कहीं फेल्योर है तो ये क्या करेगा रेड कलर का ब्लिंक होगा अब जब रेड कलर का ये ब्लिंक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट में है लेकिन ये सॉफ्टवेयर पे आप कर रहे हो अब इसका जब ये सारे पार्ट आपस में मिल गए तो अब इसका एड्रेस आपको पता करना है एड्रेस मींस इसका कोऑर्डिनेट आपको पता करना है कि कौन सा पार्ट खराब है या किस पार्ट में आपके डिफ़ॉर्मेशन स्टार्ट हो रहे हैं जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इस पार्ट में डिफ़ॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं आप या तो इसकी स्ट्रेंथ टाइम रहते हुए ये एक कंस्टेंट है टाइम टाइम अगर मान लो टाइम निकल गया तो क्या होगा फेलर हो जाएगा तो इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा जाता है तो आपने क्या करा है? इस केस में यहाँ पर आपको इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया अब आपने क्या करा इसमें ही अलग कंपोजिशन मिला करके एलोइंग एलिमेंट मिला करके इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जैसे ही आपने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई तो क्या हो गया इस पूरे मटेरियल की लाइफ बढ़ गई ठीक है तो उस चीज को अगर अच्छे से समझना है तो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मिलर इंडिसेस को समझना मिलर इंडिसेस आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है लेटिस में कौन से क्रिस्टल में कहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा और आप उसको टाइम रहते रिजॉल्व कर पाओ तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मिलर इंडिसेस मिलर इंडिसेस इज अ ग्रुप ऑफ थ्री नंबर दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन अब ग्रुप ऑफ थ्री नंबर कहा गया जैसे एक्स वाई जेड ठीक है एच के एल एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मिलर इंडिसेस आपको निकालना होता है तो एच एक्स वाई जेड मान लो वैल्यू दी गई है आप क्या करते हैं उसका इन्वर्स ले लेते हैं इन्वर्स जैसे ही लेते हैं तो उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है कि हाँ कितना कोऑर्डिनेट्स ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं कि कितना कोऑर्डिनेट्स किस चीज़ का है अब जैसे मिलर इंडिसेस में आपको क्या करना होता है अगर एक्स और वाई में करोगे तो प्लेन एक एक सिंपल जैसे मान लीजिए एक्स वाई एक क्यूब है एक क्रिस्टल आपका बना हुआ है या एक यूनिट सेल है उसमें कहाँ पर डिफॉर्मेशन कौन से प्लेन पे आ रहा है वो अगर डिफाइन करना है और या वो आपका लेटेस्ट पॉइंट पता करना है तो आप इसको यूज करते हैं तो मिलर इंडिसेस इज अ ग्रुप ऑफ थ्री नंबर दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन मतलब कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है प्लेन कितना डिफ्लेक्ट हुआ ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन और सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल किसी क्रिस्टल में खूब सारे प्लेन से मिलकर के क्रिस्टल बना हुआ है वही फिर बात वही लेटेस्ट वाली जो आपको बता चुके हैं तो सेवरल प्लेन एक प्लेन दो प्लेन तीन प्लेन इस तरह वन बाई वन बाई वन सारे प्लेन आपस में अटैच होकर के या असेंबल होकर के एक क्रिस्टल का फॉर्म करते हैं अब जब लोड आता है एक्सटर्नली लोड अप्लाई होता है या किसी मशीनरी पर उस पर काम किया जाता है तो उस केस में क्या होता है आपका किसी एक प्लेन में या कहीं दो प्लेन में या कहीं पर भी डिफॉर्मेशन होता है तो वो डिफॉर्मेशन की एग्जैक्ट पोजिशन पता करने के लिए आप मिलर इंडिसेस का यूज करते हैं दिस स्कीम डिवाइज बाई ब्रिटिश माइनोरोजिस्ट एंड क्रिस्टोग्राफर विलियम होवल्स ये विलियम होवल्स के नाम पर उन्होंने ही इसको जनरेट करा था मिलर इंडस्ट का थियोरम तो ये उन्होंने ही बताया था इसके एडवांटेजेस तो इसके एडवाटेजेस में क्या है कि ये एटीन थर्टी नाइन में इन्होंने बताया था हैज़ द एडवाटेजेज ऑफ इलिमिनेटिंग द फ्रैक्सन फ्रॉम द नोटेशन ऑफ अ फॉर अ प्लेन कितने नंबर ऑफ़ फ्रैक्शन होंगे एक प्लेन का कहाँ कहाँ पर भी आपका डिफॉर्मेशन होगा तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा डायरेक्शन बताता है ये आपका मिलर इंडिसेस इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड प्लेन्स किसी भी मिलर uh, इंडिसेस क्या बताता है स्पेसिफाई करता है क्रिस्टल के जो भी एटम्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक्चुअली जब लोड लगता है आपके नंबर ऑफ क्रिस्टल एटम्स हैं क्रिस्टल में जब लोड लगा तो एक कहीं कोई डिफॉर्म हुआ तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा मिलर इंडिसेस के थ्रू ठीक है या प्लेन डिफॉर्म हो रहा है वो कैसे पता चलेगा मिलर इंडिसेस के थ्रू दीज डायरेक्शन आर दीज डायरेक्शन आर एंड प्लेन्स कुड बी इन लेटिस और इन क्रिस्टल और ये डायरेक्शन और ये जो प्लेन है वो किसी लेटिस में होंगे या क्रिस्टल में होंगे क्यों क्योंकि नंबर ऑफ़ प्लेन्स मिल के या नंबर ऑफ़ एटम्स मिलकर क्रिस्टल बनता है और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स या प्लेन्स मिल के आपका एक लैटिस फॉर्मेशन होता है तो ये जो भी डायरेक्शन आपको देखना है सॉफ्टवेयर पे या किसी भी चीज़ पे तो ये आप सारी डायरेक्शन प्लेन्स के जो भी देखेंगे डिफॉर्मेशन के वो किसी भी लेटेस्ट के अंदर दिखेगा विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर मिलर इंडिसेस आर यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन एंड प्लेन जो अभी डिस्कस कर रहा है दीज डायरेक्शन एंड प्लेन कुड नो कुड भी इन अ ऑफ अ क्रिस्टल ठीक है किसी भी लेटेस्ट या क्रिस्टल में होगा अब ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी आ, ये पॉइंट है इसको आप देखिए कि द नंबर ऑफ इंडिसेस विल द नंबर ऑफ इंडिसेस विल मैच विद द डायमेंशन ऑफ़ द लेटेस ऑफ द क्रिस्टल मतलब नंबर ऑफ इंडिसेस जो होंगे इंडिसेस मीन्स वही कोऑर्डिनेट्स जो नंबर ऑफ अगर आपको मान लो एक्स और वाई में मान लो टू को मी दिया गया तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो टू डायमेंशनल है अगर कोई एक पॉइंट दिया गया है, तो वो वन डायमेंशनल uh, का एड्रेस आपको पता करना है अगर थ्री डायमेंशनल की बात करें थ्री की तो इसका मतलब तीन इंडिसेस दी गई होंगी तीन इंडिसेस मतलब आपको एक्स भी दिया होगा वाई भी दिया होगा और जेड भी कॉर्डिनेट्स वैल्यू दी गई होंगी या अब इसको अगर आप और अच्छा समझते हैं जब एक्स वाई जेड दिया गया मान लो वन कॉमो वन कॉमो वन अब आप क्या करते हो इसका इन्वर्स करते हो तो इन्वर्स करोगे वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन सेम आएगा तो वो अभी हम आगे आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपके टू में लेटेस्ट फॉर्मेशन होता है थ्री में कैसे होता है और आपको कुछ डायग्राम या फिगर से भी समझाएंगे अब देखिए समटाइम्स लाइक इन द केस ऑफ मिलर ब्रेविस इंडिसेस फॉर हैक्सागोनल लेटिस एंड क्रिस्टल एडिसनल ऑफ इंडिसस आर यूज फॉर हाईलाइटिंग द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर अगर हैक्सागोन की बात करें तो एक एक्स्ट्रा लेटिस या एक एक्स्ट्रा इंडिसस की ज़रूरत पड़ती है उसको हाईलाइट करने के लिए क्योंकि वो हैक्सागोनल होता है उसी को आप एल से डिनोट करें एच के आई और एल अब इसमें देखिए लिखा हुआ कि फोर इंडिसस आर यूज इन द थ्री डी स्पेस अगर थ्री डी स्पेस की बात करें तो उसके इसमें वहाँ पर फोर स्पेस आ जाते हैंक्सागोनल के केस में ठीक है ये देखिए एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका मिलर इंडिसेस फॉर द डायरेक्शन ऑफ टू और एक और दिखाया गया है ये और इधर ये दोनों आपके टू के एक एग्जाम्पल दिखाए गए हैं ए और बी ये बेसिक वैक्टर्स हैं ए आपका राइट right डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में मोशन को आ, आ, डिपेक्ट कर रहा है और बी जो है वो वाई डायरेक्शन को बता रहा है तो अब बात आती है ये देखिए मिलर इंडिसेस अगर ब्रैकेट में फ, आ, लिखा हुआ है फाइव कॉमा थ्री फाइव कॉमा थ्री और इसमें सॉरी कॉमा नहीं लगता है जब ये ब्रैकेट में आ जाता है तो इसमें कॉमा नहीं लगाते हैं आप अगर वहां कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें कॉमा का यूज करते हैं लेकिन यहां पर आप कॉमा का यूज नहीं करते हैं तो इस केस में ये जैसे फाइव कॉमा थ्री लिखा हुआ है अब फाइव कॉमा थ्री का क्या मतलब हुआ ये जो हम आपको बता रहे हैं एक्स डायरेक्शन और ये आपका क्या है वाई डायरेक्शन अब एक्स डायरेक्शन में मूव करा क्रिस्टल कितना वन टू थ्री फोर फाइव तो एक्स को यहाँ पर ए से डिनोट कराया गया तो यहाँ तक आपका क्रिस्टल या यहाँ पर एटम आपका जो लोकेशन है फाइव कॉमा थ्री वो कैसे मिलेगी वो आपको बता रहे हैं एक्स डायरेक्शन में आपने फाइव यूनिट मूव करा और इसी तरह वाई डायरेक्शन या बी डायरेक्शन में आपने मूव करा वन टू थ्री अब इनको इंटरसेक्ट करेंगे ये डॉटेड लाइन अगर आप इसको डॉटेड से जोड़ करके इंटरसेक्ट करते हैं वन बाई वन अगर आप इसको जोड़ते हैं आप देखिए यहाँ से वन ऐसे डॉट बना देते हैं हम और इसी तरह यहाँ पर ठीक है तो ये क्या मिला आपको फाइव कॉमा थ्री मतलब कि जो आपका एक एटम है जिसका एड्रेस है फाइव थ्री वो क्रिस्टल के अंदर या लैटिस के अंदर इस जगह पे आपको मिलेगा अब इसमें कहीं कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है या कहीं पर कुछ भी आपको अपडेट करना है चेंज करना है स्ट्रेंथ बढ़ानी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ठीक है या आपको पहले ही पता चल गया कि यहां पर फेल्योर के चांसेस हैं तो आप इंप्रूव कर सकते हैं तो ये फायदा होता है मिलर इंडिसिस का फिर एक एग्जाम्पल और आपको दिखा रहा है यह एग्जाम्पल आपको इन्वर्स का दिखाया जा रहा है इन्वर्स इन द सेंस अगर कहीं पर बार लग जाए या माइनस साइन लग जाए अब सेम वही चीज है ए और बी एक्स को ए से डिनोट करा गया और बी को वाई से डिनोट करा गया अब इसमें क्या हुआ आपका फिर ये आपका ओरिजिन है ये यहाँ पर ओरिजिन है अब ओरिजिन में आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपको दिया गया है जो यहाँ पर मिलर इंडिसेस विथ मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है बाहर टू और उसके बाद टू और वन का इन्वर्स टू और टू वन का इन्वर्स मतलब टू से मल्टीप्लाई करेंगे आप और उसके बाद उसका इन्वर्स करेंगे अब टू से मल्टीप्लाई करा गया तो क्या हो गया फोर और ये क्या हो गया टू इनवर्स फोर कॉमा टू इन्वर्स अब जब फोर कॉमा टू इन्वर्स हुआ तो अब फोर क्या चीज़ है एक्स डायरेक्शन में फोर यूनिट आपका इंक्रीमेंट होगा तो वन टू थ्री फोर एक्स डायरेक्शन में आप ये ओरिजिन है यहाँ से आपने एक्स डायरेक्शन में फोर यूनिट मूव किया उसके बाद बात आती है निगेटिव में निगेटिव क्यों लिया गया क्योंकि यहाँ पर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपका यहाँ इन्वर्स आ जाए तो ये निगेटिव साइन को डिनोट करता है निगेटिव मतलब आपको माइनस में जाना है जैसे यहाँ पर आप पॉजिटिव में गए थे तो वहाँ पर आपका फाइव कॉमन थ्री था थ्री पॉजिटिव पे गए लेकिन यहाँ पर टू इन्वर्स आ रहा है तो इन्वर्स के केस में क्या करेंगे वाई डायरेक्शन में या बी डायरेक्शन अगर यहाँ पर देखा जाए तो बी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे मूव करेंगे नीचे की ओर कितने यूनिट मूव करेंगे टू यूनिट वन और टू अब ये मूव करें टू यूनिट फिर यहां पर क्या मिला आपको आप अगर ये डॉटेड लाइन ऐड करोगे वन बाई वन ऐड करोगे तो ये आपको इंटरसेक्ट पॉइंट मिला जैसे ही ये इंटरसेक्ट पॉइंट मिला तो अब आप आपको क्या पता चल गया कि ये जो एक पॉइंट है ये आपका मिलर इंडिसेस का मैग्नीट्यूड जब टू 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 इंटू टू, टू वन इनवर्स दिया गया तो फोर Into टू टू वन टू इनवर्स हो गया तो ये आपका इसका डायरेक्शन या इसका डायरेक्शन स्पेस uh, शो कर रहा है किस जगह पे ये एटम्स आपका होगा जहां पर आपको चेंजेज करना होगा या वो उसका एक एड्रेस आपको मिला इसी तरह एक एग्जाम्पल यहां पर भी दिया गया फोर टू इनवर्स इज कॉल टू 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 इनवर्स सेम वही है ये आपका प्लेन का दिखा रहे हैं मिलर इंडिसेस टू टू कामा टू कॉमा वन इनवर्स लिखा हुआ है अब इसमें आपने क्या करा इसको फोर यूनिट इंक्रीमेंट करा और यहाँ पर टू यूनिट माइनस में क्यों गया क्योंकि इन्वर्स है और इसका ये आपका पॉइंट मिलेगा जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट मिलेगा जो कि फोर कॉमा टू से सो गया सो किया गया माइनस टू से अब बात आती है कुछ एग्जाम्पल की कि अगर आपको मान लीजिए दिया गया है मान लीजिए आपको दिया गया वन 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 अब आपको निकालना है मिलर इंडिसेस तो ये वैल्यू अगर आपको एक्स वाई जेड माना गया तो आप इसको मान लो एच के और एल अब एच के एल के केस में क्या करेंगे वन इसका इन्वर्स हो जाता है तो वन बाई वन हो गया फिर वन बाई वन हो गया वन बाई वन हो गया तो तीनों वैल्यू क्या हो गई वन हो गई अब इसको अगर यहाँ पर समझना चाहते हैं तो इसमें आप देखिए एक हम क्रिस्टल बना रहे हैं ये आप लोग हमेशा मानते हैं एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है अब यहाँ से समझिए जब आपने इन्वर्स निकाला तो एक्स की वैल्यू जो है या ए की वैल्यू आप मान लो वन हो गई इसको अगर आप ए मान लो वन हो गई बी क्या हो गई वन हो गई और सी क्या हो गई वन हो गई या एक्स वाई जेड में मानना है तो एक्स वन एक्स भी वन हो गया वाई भी वन हो गया और जेड भी आपका जेड क्या है जेड भी आपका वन हो गया वाई वन एक्स वन जेड वन अब क्या हुआ ये पॉइंट जो है ये आपका ओरिजिन है अब इस ओरिजिन से आपको क्या करना है मूव करना है कितना वन 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 अब वन मतलब ये पूरा हम मान लेते हैं कि यूनिट सेल है तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में ये वन पॉइंट ये मिला अब अगर वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये पॉइंट ये मिला और जेड डायरेक्शन में एक इंक्रीमेंट करते हैं तो ये पॉइंट क्या मिला आपका यहाँ पर मिला तो आपको क्या करना होता है अगर मिलर इंडिसेस निकालना होता है तो आपको ये प्लस ये एक्स वाई जेड तीनों को आपने ऐड करा तो जब तीनों को ऐड करते हैं तो ये जो आपको मिलता है प्लेन वो एक क्रिस्टल के अंदर का वन कॉमा वन, वन का प्लेन कहलाता है ठीक है इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे अब आपको मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पर इसी में बता देते हैं जैसे मान लीजिए लिखा है वन जीरो वन अब आप तुरंत समझ जाओ अगर ऐसे वन जीरो वन लिखा है तो ये आप तुरंत समझ जाओ कि ये जो कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्स और जेड के बीच में हो रहा है एक्स और जेड के बीच में हो रहा है ये आपकी एक्स ये आपका एक्स वैल्यू है और ये आपका जेड वैल्यू है फिर से आप इन्वर्स करोगे तो क्या होगा वन बाई वन का वन ही आएगा और ये वन बाई जीरो इन्फाइनाइट आएगा और ये वन आएगा तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है वाई में आपको इंक्रीमेंट नहीं करना है आपको किस में करना है जेड में इसको अगर आपको समझना है फिर से बताता हूँ ये एक्स है ये वाई है और ये क्या है आपका जेड अब इंक्रीमेंट कहाँ पे दिखाया जा रहा है एक्स और जेड में इसका मतलब जो भी प्लेन आपका बनना है वो एक्स और जेड में बनना है एक्स और जेड में कैसे बनेगा आपने इंक्रीमेंट करा एक्स में एक यूनिट ये आपका ये आपका ओरिजिन है यहाँ से एक यूनिट क्या है ये है ये आपको एक पॉइंट मिला उसके बाद वाई में कोई इंक्रीमेंट नहीं है वाई में आपको नहीं जाना है फिर क्या है जेड में फिर वन का इंक्रीमेंट है तो फिर आपको एक पॉइंट यह मिला ठीक है तो इससे क्या मिला आपको अब इन दोनों को आप ऐड करोगे प्लस इसको इसको ऐड करोगे तो अब जो ये प्लेन मिला अब यह जो आपको प्लेन मिला ये प्लेन होगा आपका X और Z के बीच में Y में कोई भी नहीं गया X और Z के बीच का पैरेलल प्लेन मिला तो इस तरह क्या करते हैं आप वन बाई वन मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि, कि किस में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है किस में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है अब अगर बात करते हैं मान लीजिए जीरो जीरो वन की बात कर लेते हैं और उसी में आपको इनवर्स भी समझा देते हैं मान लीजिए आपको कहीं लिखा है जीरो जीरो वन या पहले आपको वन जीरो जीरो बता देते हैं अगर आपको वन जीरो जीरो को समझना है तो वन जीरो जीरो को समझना है तो क्या होता है आपका बिल्कुल सिंपल है अभी इसी में इन्वर्स भी बता देंगे आपको कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं आप ये आपका एक्स हो गया ये आपका वाई हो गया और ये आपका जेड हो गया अब अगर आपको कहीं पर ये लिखा हुआ है और आपको बताया जा रहा है कि कौन सा फेस होगा तो एक्स में वन का इंक्रीमेंट हुआ मतलब कि ये ओरिजिन था आपका पॉइंट यहां आया ठीक है x में वन का इंक्रीमेंट हुआ लेकिन y और z, भाई अगर आप वन बाई वन करोगे तो वन आएगा one करोगे और एच के एल की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा इंफाइनाइट होगा इसका मतलब जो भी आपका प्लेन बनेगा वो सिर्फ x पे बनेगा या फेस जो भी आपको मिलेगी वो x की फेस मिलेगी तो अब आप ऐसे समझो कि यहां पर ये यह जो फेस थी ये यह यहां से वन एक्स एक्सिस पे जो थी इंक्रीमेंट होकर के या खिसक करके यहां आ गई तो इस समय कौन सा फेस हो जाएगा आपका ये वाला फेस इस समय आपको कौन सा फेस मिलेगा ये फेस किस में वन जीरो जीरो अब अगर बात आती है कहीं पर लिखा है वन इनवर्स जीरो जीरो अगर कहीं पर लिखा है वन इनवर्स जीरो जीरो तो इनवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन माइनस में तो उस केस में क्या है वन में जब इंक्रीमेंट हुआ तो यहां पर पहुंचे लेकिन जब माइनस में हो रहा है मतलब अपोजिट जा रहे हैं तो वो कहां पर आएगा ये वाली फेस आपकी है वन जीरो जीरो अगर इनवर्स की बात करें तो इनवर्स मतलब ये पहले यहां पहुंचे लेकिन माइनस वन डिग्री या वन यूनिट आप फिर से वापस इसी फेस पे आ गए तो वो क्या होगा आपका ये वाला फेस होगा वो कौन सा फेस होगा आपका ये वाला तो ये क्या हो गया वन इनवर्स जीरो जीरो वन है ठीक है इसी तरह अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है जीरो वन जीरो अब जीरो वन जीरो का क्या मतलब हो गया आपका x में जीरो y में जीरो और z में सॉरी x में जीरो और z में जीरो और y में वन कैसे वन बाई जीरो इन्फाइनाइट वन बाई जीरो ये वाला इन्फाइनाइट और y वाला वन बाई वन अगर इसकी बात करें तो इस केस में क्या होगा इसी तरह आपको अगर टू की बात करते हैं वो भी अभी आपको बताएंगे अगर टाइम बचेगा वरना नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करता हूं इसमें क्या है आपका ये x, ये y और ये z. अब जो क्वेश्चन है हमारा जीरो वन जीरो अगर आपको निकालना है जीरो वन जीरो इसका इंडिसस पॉइंट निकालना है तो क्या होगा ये आपका ओरिजिन है x में आप आ, आ, x में आपको बिल्कुल नहीं जाना है y में वन इंक्रीमेंट हुआ ठीक है y में वन यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या मतलब हुआ और जेड में कुछ नहीं हुआ ना इधर बढ़ना है ना एक्स डायरेक्शन बढ़ना है वाई डायरेक्शन में आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है तो इस केस में क्या हो गया आपका इसका मतलब ये वाला फेस आपका होगा टॉप का फेस इस क्रिस्टल का ये वाला फेस आपका है, इंडिसेस होगा या फेस होगा जिसको आपको निकालना था वो इसका एड्रेस ये दिया गया अब अगर यहीं पर मान लीजिए आप इन्वर्स लगा दीजिए जैसे ही इन्वर्स लगा तो इसका मतलब क्या हुआ आप पहले इस ओरिजिन से इस ओरिजिन से वन यूनिट ऊपर गए और जैसे ही इन्वर्स लगा इसका क्या मतलब हुआ आप इसी यूनिट से वन यूनिट नीचे आ गए तो इसी से वन यूनिट नीचे आए तो वाई का ही वन यूनिट नीचे क्या हो गया आपको कौन सा फेस मिलेगा ये वाला फेस मिलेगा तो ये क्या हो गया इन्वर्स का फेस और ये क्या हो गया जीरो वन जीरो का फेस यहाँ तक समझ में आया आपको अब बेटा आगे डिस्कस करते हैं अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है टू कॉमा टू कॉमा टू जैसे वन 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 था अगर टू टू लिखा होगा तो उस केस में क्या करेंगे आप अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है जैसे टू कॉमा टू जैसे एक बार वन 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 बता देते हैं फिर से वन 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 था तो आपने एक क्रिस्टल बनाया ऐसे 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 अब ये हमने लिया था एक्स ये लिया था वाई और ये लिया था जेड एक्स में वन का इंक्रीमेंट वाई में वन का एक पॉइंट ये और उसके बाद जेड में वन का तो आपने क्या करा था ऐसे इसको ऐड कर दिया था ठीक है और आपको ये क्रिस्टल मिल गया था वन कॉमा वन कॉमा वन का अब अगर बात करते हैं टू कॉमा टू कॉमा टू की अब टू टू और टू अब जैसे ये टू 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 मिला आपको तो इस केस में क्या होगा एच के एल की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो एच इक्वल टू वन बाई टू फिर इसका क्या हुआ के इक्वल टू इनवर्स लेते हैं आप वन बाई टू फिर इसमें एल इजल टू वन बाई टू तो इस केस में क्या हो गया पॉइंट फाइव फिर ये भी क्या हो गया पॉइंट फाइव और ये क्या हो गया आपका पॉइंट फाइव ठीक है अब टू कॉमर टू कॉमर टू जब आपने ये लिया पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव तो उस केस में क्या हुआ अब कैसा क्रिस्टल बनेगा या कैसा आपका कौन सा प्लेन मिलेगा आपको मतलब कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन के सारे हाफ पॉइंट मिलेंगे आपको फिर से देखते हैं ये एक्स है आपका ये वाई है आपका और ये जेड है आपका अब इसमें क्या हुआ हाफ़ प्लेन मतलब एक्स वाला इसी को आप जब ये मिलता आप इसको एक्स भी बोल सकते हैं ये जो X में कितना जाना है हाफ़ जाना है मतलब कि ये ये जो था आपका ओरिजिन था आप हाफ़ इस लाइन के हाफ पे आए सेंटर पे आए मान लीजिए अब आपको एक ये पॉइंट मिला हाफ़ पे ठीक है इसी तरह अगर Y की बात करें ये वाला वाई है वाई की बात करें तो यहां पर ये यह जो वाई है आपका पूरा अगर वन होता तो यहां तक जाते अब यहां पर हाफ है तो आप कहां तक जाएंगे यहां तक जाएंगे ठीक है फिर इसी तरह जेड होता तो यहां तक जाते जैसा यहां पर दिखाया गया लेकिन यहां पर आप हाफ तक जाएंगे तो जो आपको प्लेन मिलेगा वो ये पॉइंट ये हाफ है ये हाफ है और एक ये हाफ है अब इस ये जो आपको प्लेन मिला ये क्या मिला टू कॉमा टू कॉमा टू का ठीक है तो ये आपका टू कॉमा टू कॉमा टू का प्लेन मिला इसके बाद अगर आप बात करते हैं आप अगर मान लीजिए बात करते हैं वन टू और जीरो की तो उस केस में क्या होगा बेटा ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं वन टू जीरो का क्या होता है कहाँ पर प्लेन मिलता है आ, तो आज आपको हमने बताया मिलर इंडिसेस के बारे में उसके टू डी डायमेंसन के बारे में थ्री डी के बारे में कैसे कैसे उसके एग्जाम्पल आपको समझाए है वन 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 होगा तो क्या होगा वन कामा टू होगा वन uh, कॉमा बीच में नहीं लेते हैं तो ये आपको वन बाई वन प्लेन के बारे में पता चलता है कि कौन सा प्लेन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग पे कहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है इन्वर्स भी आपको बताया अगर इन्वर्स होगा तो राइट right का तुरंत लेफ्ट में चला जाएगा टॉप का बॉटम में चला जाएगा ओके थैंक्स अलॉट